वेलकम टू द रॉयल डिफेंस एकेडमी चैनल। टुडे कंटिन्यू हम जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे 11, 12, 13, आज आरएमएस 2014 का क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो एक आयरन पिलर ऑफ महरौली दिल्ली मेंशनड अ रूलर नेम्ड चंद्र, चंद्र नाम उसमें मेंशनड है। तो ये क्वेश्चन है कि जो चंद्र है ये कौन है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है, चंद्र जो है कौन सी डायनेस्टी से। आयरन पिलर महरौली में जो चंद्र नाम लिखा हुआ है वो किससे रिलेटेड है या कौन सी डायनेस्टी से। यस गुप्ता डायनेस्टी। यस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुप्त डायनेस्टी। नेक्स्ट है आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये जो आरटी एक्ट है ये कब आया हमारे इंडिया के अंदर, आरटी एक्ट 2005 कब आया, 2005। और इसमें कहा गया कि आपके बच्चों की मिनिमम एज इससे सरकार को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, 6 to 12, 6 to 14, 3 to 10 या 3 to 12। यस 6 to 14 करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, 6 to 14 एज जो है वो इसमें डिसाइड की गई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कोई भी प्लेस का क्लाइमेट अफेक्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी से, एल्टीट्यूड से, लेटीट्यूड से या ऑल ऑफ दीज से, यानी क्लाइमेट जो है वो सबसे डिसाइड होता है या किसी एक से। यस ऑल ऑफ दीज। यस डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड, इन तीनों से कोई ना कोई हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इज नॉन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा गया। यस दादा भाई नौरोजी, इनकी एक बुक भी थी दादा भाई नौरोजी की, क्या थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो है ये मॉडरेट फेज के नेता हुआ करते थे, मॉडरेट फेज के लीडर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट, दादा भाई नौरोजी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 एबल प्राइज इज गिवन, एबल प्राइज जो है वो कौन से सेक्टर में दिया जाता है, विच सेक्टर। यस मैथमेटिक्स। इस बार जो एबल प्राइज 2022 में जिनको दिया गया मैथमेटिक्स में, उनका नाम है सुलिवान। क्या नाम है, सुलिवान, एक मैथमेटिशियन है, एबल प्राइज 2022। और पहले इंडियन जिनको इसके अंदर दिया गया, फर्स्ट इंडियन जिनको एबल प्राइज मैथमेटिक्स में दिया गया, फर्स्ट इंडियन कौन थे, वो वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको एबल प्राइज दिया गया मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में जो एबल प्राइज। यस नो रामानुजाचार्य नहीं, जो फर्स्ट इंडियन जिनको एबल प्राइज दिया गया। यस कौन थे, डोनी सिनेवाल को तो इस बार दिया गया। इंडियन कौन थे, श्रीनिवास वर्धन। कौन थे, श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन जो है इनको पहली बार एबल प्राइज दिया गया, फर्स्ट इंडियन श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन जो है, श्रीनिवास वर्धन ये मैथमेटिशियन है, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबल ये एबल प्राइज दिया गया, फर्स्ट इंडियन वो विन एबल प्राइज, जिन्होंने एबल प्राइज को जीता। एक इसमें ये भी है कि इस बार एबल प्राइज किसको दिया, सुलिवान को, डेनिस सुलिवान। और ये किस में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल वेटलैंड अर्थ और एंडेंजर्ड स्पीसीज या क्लाइमेट चेंज। यस क्लाइमेट चेंज, करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके साउथ में इंडिया का कौन सी सिटी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इससे नीचे दिल्ली, चेन्नई, अजमेर या नन ऑफ दीज। यस चेन्नई, चेन्नई जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की ओर है। यस चेन्नई, चेन्नई बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
23.5 degree नॉर्थ से नीचे की ओर कौन है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया, कौन से लोग के अगेंस्ट चलाया गया? यस 1930। डेट क्या थी इसकी? सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जिस दिन स्टार्ट हुआ उसकी डेट क्या थी? सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, यस 12 मार्च 1930। यस 12 मार्च 1930 को साल्ट लॉ के अगेंस्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया 1930, 12 मार्च 1930 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया? तो बॉर्डर जो बनता है इसमें सबसे लंबा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ हमारा? बांग्लादेश। हाउ मेनी किलोमीटर? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है, 4096 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ हुए थे? 20 कॉमनवेल्थ गेम्स, यस ग्लासगो, यस बिल्कुल करेक्ट है, 20 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो। लेकिन इस बार 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए? 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, यस बर्मिंगम इंग्लैंड, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंगम इंग्लैंड। इंडिया की रैंक रही इसमें 4th मेडल विनर में। इंडिया ने कितने मेडल जीते इसमें? 61 टोटल, कितने इसमें इंडिया में? 61 मेडल इंडिया ने विनर रहा, और इनमें से गोल्ड कितने थे? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा ग्लासगो। 20 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्लासगो। लेकिन इस बार वाला याद रखना है, 2022 बर्मिंगम इंग्लैंड। इंडिया 4th रैंक पे रहा, ऑस्ट्रेलिया उसमें 1st रैंक पे रहा, सबसे ज्यादा विनर। विच टाइप ऑफ माउंटेन इज हिमालय? हिमालय जो है वो किस टाइप का माउंटेन है? वॉल्केनिक, फोल्ड, ब्लॉक या रेजिडुअल माउंटेन? यस फोल्ड माउंटेन इज करेक्ट आंसर। हमारा जो हिमालय जो बना हुआ है ये आपस में प्लेटों के टकराने से, इन प्लेट के आपस में टकराने से जो माउंटेन बनता है वो क्या कहलाता है? फोल्ड। एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक हमारी हिमालयन प्लेट। नेक्स्ट, पेरिनियल रिवर कौन सी नहीं है, यानी जो 12 महीने बहने वाली रिवर इनमें से कौन सी नहीं है? यस कावेरी, यस गंगा, इंडस, सतलज, ये 12 मासी रिवर है, लेकिन कावेरी जो है ये पेरिनियल रिवर नहीं है, पेरिनियल रिवर कावेरी। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दे रखा था आपको, स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंडमास। क्या स्ट्रेट दो लैंडमास को कनेक्ट करता है? नहीं, स्ट्रेट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता, ये स्टेटमेंट गलत है। इस्तुमस कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? लैंडमास, यानी दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? गलत है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें तो सही ये दोनों ही नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ अबव। क्या होगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही क्या है? रॉन्ग है। देखो, ये स्ट्रेट जो होता है नैरो स्ट्रिप, ये वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इस्थुमस जो है ये टू लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, ना कि वाटर बॉडीज को। नेक्स्ट इज डायरेक्टर अवार्ड विनिंग मूवी सी ऑफ थीसस।
सी ऑफ थीसिस जो है इसके अंदर कौन डायरेक्टर विनर ऑफ सी ऑफ थीसिस? इसके अंदर यहाँ पे वो इज द डायरेक्टर अवार्ड विनिंग मूवी सी ऑफ थीसिस। सी ऑफ थीसिस जो है इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर थे आनंद गांधी। कौन थे? आनंद गांधी। आनंद गांधी, आनंद गांधी जो है ये हमारे जो सी ऑफ थीसिस जो मूवी है इसके जो विनर है इसके कौन है? वो आनंद गांधी। यानी इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? आनंद गांधी। इसके अंदर क्या हो जाएगा? आनंद गांधी। नेक्स्ट देखो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इनमें से सही करेक्ट कौन सा है? तो विक्रम साराभाई न्यूक्लियर से नहीं थे, स्पेस स्पेस से रिलेट थे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम भी स्पेस से रिलेट थे, मैथ से नहीं थे। वेंकट रमन रामाकृष्णन ये बायोलॉजिस्ट थे, बिल्कुल सही है। होमी जहांगीर बाबा ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इसलिए इसमें करेक्ट मैच पूछा था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडीएम, एमडीएम जो है ये टर्म किस लिए यूज की जाती है? तो ये टर्म होगी मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मील इज करेक्ट, ऑप्शन डी। मिड डे मील, मिड डे मील जो है इसके लिए एमडीएम। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 2014 में एक एयरक्राफ्ट था मलेशिया एयरक्राफ्ट दैट वेंट मिसिंग इन 2014 में। इसके अंदर देखो 2014 में जो मलेशिया का एयरक्राफ्ट था वो कौन सा था? MH370। विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया और यूरोप? एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो हमारी माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है? एशिया और यूरोप। इसके अंदर ऐसे बोल रहा हूं, डायरेक्ट देखना। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप? एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाली माउंटेन रेंज कौन सी है? तो कौन सी है इसके अंदर? हिमालय, आल्प्स, यूराल या ऑल ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? तो इसमें होगा यूराल। यूराल जो है ये इसके अंदर, अब आ रही है, तो इसके अंदर यूराल जो है, यूराल,
एशिया और यूरोप इन दो को अलग करने वाला माउंटेन रेंज कौन सी है? यूराल। अगला है सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रेफर करता है? मिल्क, एग्रीकल्चर, एग या मीट। तो जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेट करता है? सिल्वर रिवॉल्यूशन, यस सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन। क्या होगा इसमें? एग प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। नेक्स्ट, रानी की वाव। रानी की वाव जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये रानी की वाव कहाँ है? वेर? यस गुजरात। गुजरात, यस करेक्ट आंसर इज गुजरात। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान का जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर सिटी, जयपुर सिटी भी शामिल है, जंतर मंतर भी शामिल है। तो इसके अंदर करेक्ट होगा गुजरात, रानी की वाव गुजरात। नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट, जो एसिडिटी को क्योर, यूज टू क्योर एसिडिटी, एसिडिटी को क्योर करने के लिए कौन यूज होता है? इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज किया जाता है और बेकिंग सोडा, दोनों करेक्ट होंगे इसके अंदर, दोनों करेक्ट है। बेकिंग सोडा भी सही है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी सही है। विच सब्सटेंस इज यूज टू क्योर एसिडिटी? बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस होते हैं इसलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच रॉक इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक, उसके लिए कौन सी रॉक जो है वो होती है, यानी कौन सी रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है? यस डी ऑप्शन, डी मेटामॉर्फिक। कौन सी रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है ये बिल्कुल सही है, जिन्हें हम कायांत्रिक चट्टाने भी कहते हैं, जो अपना साइज चेंज करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा बेटा, इन इक्वलिटी नहीं होता है। अगला है इट एस्टेब्लिश एन ऑथोरियन गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश करता है ऑथोरियन गवर्नमेंट, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग है, ऑथोरियन गवर्नमेंट को भी नहीं करता। अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन को, ये बिल्कुल सही बात है। इट्स गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिक्स फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स गिवन है। और पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट, विच सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ सेवन हिल्स? सेवन हिल सिटी किसे कहते हैं? नई दिल्ली, पेरिस, मॉस्को या रोम? विच सिटी नॉन एज सेवन हिल्स? यस रोम, करेक्ट आंसर इज रोम। रोम जो है सिटी ऑफ सेवन हिल्स, रोम इज करेक्ट। इसके अंदर नेक्स्ट है व्हाट आर बेबी ऑफ कंगारू? कंगारू के जो बेबी है उन्हें क्या कहेंगे? काफ, पोल, जॉय, शॉर्ट, तो कौन सा होगा? यस कंगारू के जो बेबी है, यस जॉय, यस जॉय, जॉय इज करेक्ट, जॉय इज करेक्ट ऑप्शन इज जॉय, जॉय जो है इसके अंदर करेक्ट, जॉय जो है इसके अंदर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द टर्म
वी लव टू सी योर यू स्माइल, वी लव टू सी यू स्माइल। मैकडोनाल्ड, गार्नियर, एप्पल, डोमिनोस, इसके अंदर कौन होगा? यस, मैकडोनाल्ड। यस, करेक्ट आंसर इज मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नेम करसन भाई पटेल, करसन भाई पटेल जो है वो कौन सी कंपनी से एसोसिएट थे? एरियल, हैंको, निर्मा या टाइड? तो करसन भाई पटेल जो है वो कौन सी कंपनी से थे? निर्मा। यस, करेक्ट आंसर इज निर्मा। नेक्स्ट, विच प्लेनेट इज रेफर्ड टू मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन सा प्लेनेट? यस, वीनस। करेक्ट आंसर इज वीनस। वीनस जो है ये करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय मोतीलाल नेहरू, पिंगली वेंकैया, पोटी सिरारामलु या सरोजनी नायडू? इनमें से किसने इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया? यस, पिंगली वेंकैया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द रूट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन? इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन का रूट क्या रहा? तो मुंबई टू अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। मुंबई टू अहमदाबाद। नेक्स्ट, वेर आर ऑर्गुंटन एपीज आर फाउंड? ऑर्गुंटन एपीज जो है वो कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका, ये वन मानुस कहलाते हैं। ऑर्गुंटन मतलब वन मानुस जो है ये कहाँ मिलते हैं? यस, इंडोनेशिया के पास बोर्नी आइलैंड, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, यानी इंडोनेशिया के आसपास का रीजन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, स्मॉल कार नैनो, ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ हुई? महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, गुजरात? नैनो कार फर्स्ट टाइम, यस, गुजरात। यस, करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में पहला नैनो जो मैन्युफैक्चरर प्लांट लगा। हैरी पॉटर जो है, उस हैरी पॉटर में उसका ओवल जो है, उस ओवल का क्या नाम है? ये कॉलिन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कॉमिक से आया है, जो स्टोरीज देखते हैं वहां से। यस, हेडविग। करेक्ट आंसर इज हेडविग। हेडविग जो है ये नाम है। नेक्स्ट, विच रीजन रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ले, वेस्ट राजस्थान, सेंट्रल इंडिया या छोटा नागपुर? सबसे कम जो भारत में बारिश कहाँ होती है? यस, ले इज करेक्ट आंसर। ले में जो है भारत में सबसे कम बारिश होती है, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे जो है वो कौन सा होगा? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून? तो कौन सा होगा? यस, 21 जून। करेक्ट आंसर इज 21 जून। नेक्स्ट, सेंट ऑफ द गटर्स किसे कहा जाता है? सेंट ऑफ गटर्स, ग्लेडन जॉन्स, सेंट जॉन, मदर टेरेसा या नन ऑफ दीज? सेंट ऑफ गटर्स, यस, मदर टेरेसा, किन्हें कहते हैं? मदर टेरेसा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक जो है इसके राइटर, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक
राइटर यस खुशवंत सिंह खुशवंत सिंह इज करेक्ट आंसर ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेथड ऑफ पेंटिंग विथ अ नेचुरल डाइज ऑन कॉटन और सिल्क क्लॉथ विथ बेम्बू स्टिक के साथ में जो ये पेंटिंग की जाती है इसे क्या कहते हैं बंदनी चिकनकारी मधुबनी बिहार की पेंटिंग है और एक कलमकारी इनमें से ये मेथड जो होता है ये बेम्बू के साथ में किया जाता है पेंटिंग का ये जो मेथड ऑफ पेंटिंग विद नेचुरल डाइज ऑन कॉटन और सिल्क कलमकारी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट था फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग इज करेक्ट आंसर मार्क जकरबर्ग नेक्स्ट वो फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर जो है इसके फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर आदिल शाह मीर कासिम हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य जो स्थापित करा वो हरियर और बुक्का थे लेकिन इसके सबसे बड़े राजा थे कृष्णदेवराय यहाँ के बड़े राजा लेकिन फाउंडर हरियर और बुक्का 2014 के फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मनी ने किसको डिफीट किया वो डिड जर्मनी डिफीट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2014 यस अर्जेंटीना यस करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना को डिफीट किया नेक्स्ट वो बिकेम द यंगेस्ट गर्ल टू सेट फुट ऑन द माउंट एवरेस्ट इन मई 2014 में सबसे कम उम्र की बालिका जिसने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा सबसे कम उम्र की 2014 का क्वेश्चन है अभी अरुणिमा सिन्हा भी गई है तो 2014 में कौन थी यस मालवतु पूर्णा इज करेक्ट आंसर मालवतु पूर्णा नेक्स्ट इज Who has hit the fastest century in one day international cricket? इनमें ऑप्शन नहीं है लेकिन 31 बॉल में जिन्होंने लगाया था वो एबी डी विलियर्स साउथ अफ्रीका के प्लेयर डी विलियर्स इन्होंने लगाया 31 बॉल्स में लेकिन अब इनमें से अगर देखें सचिन तेंदुलकर कोरी एंडरसन सचिन तेंदुलकर नहीं इसके अंदर यस कोरी एंडरसन इज करेक्ट कोरी एंडरसन ने 36 बॉल में लगाया और शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल में लगाया तो इसमें फास्टेस्ट कौन होगा कोरी एंडरसन इज करेक्ट नेक्स्ट विच गैस इज मोर इन द मिक्सचर ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मोर सबसे ज्यादा कौन होता है सीएनजी में सबसे ज्यादा होती है मिथेन सीएनजी में मिथेन और एलपीजी में क्या होती है प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन और सीएनजी में मिथेन नेक्स्ट पेप्सिन क्या है पेप्सिन व्हाट इज अ पेप्सिन पेप्सिन इज यस पेप्सिन क्या है यस पेप्सिन एंजाइम क्या है एंजाइम पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है पेप्सिन इज करेक्ट नेक्स्ट वो डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ पोलियो
पोलियो की वैक्सीन जो है इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? चार्ल्स निकोल, जॉनस साक या लुईस पाश्चर या एडवर्ड जेनर? यस नो पोलियो वैक्सीन जॉनस साल्क इज करेक्ट आंसर। जॉनस ई साक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैपिटल ऑफ सीरिया। यस दमास्कस। क्या होगा? डेमास्कस इज करेक्ट। फ्रीडम फ्रॉम फियर ये बुक किसने लिखी? फ्रीडम फ्रॉम फियर इस बुक के राइटर? यस फ्रीडम फ्रॉम फियर। यस आंग सान सू की इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। किसकी है? आंग सान सू की। नेक्स्ट, गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड कप पिस्टल शूटिंग जो है उसमें उस समय गोल्ड मेडल कौन जीता था? ये 2015 का क्वेश्चन है, 14 के पेपर में। तो इस समय थे हिना सिद्धू। कौन थे? हिना सिद्धू। नेक्स्ट इज वेयर इज नागरहोल नेशनल पार्क? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? इन विच स्टेट? तो नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर, ये सारे कहाँ हैं? कर्नाटक। ऑप्शन डी। ओके कंटिन्यू। अब अपन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। हमने जीके के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, नेट और बॉल। तो जो बॉल है उसको रोकने का काम कौन कर रही है? नेट। वैसे ही आपके सेम हुक जो होता है, हुक वो फिश को क्या करता है? कैच करने का काम करता है। ऑप्शन डी। जैसे नेट बॉल को रोकती है वैसे ही हुक फिश को कैच करने के लिए काम में। ऑप्शन डी। एंट्रेंस का अपोजिट है एग्जिट। एंट्रेंस का एग्जिट और लॉयल्टी का अपोजिट क्या होगा? ट्रेचरी। तो लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा या विश्वास, और जब किसी को आप विश्वासघात करते हो उसे क्या कहते हैं? ट्रेचरी। तो ट्रेचरी विश्वासघात। ट्रेचरी इज अपोजिट ऑफ लॉयल्टी। एंट्रेंस अपोजिट ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट, हेमेटाइट आयरन। आयरन का एक और होता है हेमेटाइट। वैसे ही गेलेना। गेलेना किसका और होता है? लेड, पीबी। गेलेना जो है वो किसका और होता है? लेड या पीबी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेड। इसमें होगा लेड। तो देखो हेमेटाइट और है आयरन का, और गेलेना किसका है इसके अंदर? लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपकॉक जो है वो पाइप में यूज की जाती है पानी को रोकने के लिए। सिमिलर थ्रोटल जो होते हैं, थ्रोटल किसमें यूज किया जाता है? इंजन। किसमें यूज किया जाता है? इंजन। थ्रोटल जो है वो इंजन में यूज किया जाता है। थ्रोटल कहां पे? इंजन। टोटल कहाँ यूज किया जाएगा? इंजन। नेक्स्ट इज फिलेटिस्ट स्टाम्प और न्यूमिसमेटिक्स। न्यूमिसमेटिक्स क्या होता है? तो जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलेटिस्ट। और वैसे ही कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला क्या कहलाएगा? न्यूमिसमेटिक्स। कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला न्यूमिसमेटिक्स। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? इसके अंदर विच ऑप्शन इज करेक्ट? कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला न्यूमिसमेटिक्स, फिलेटलिस्ट, स्टाम्प। अच्छा अच्छा
अब इसके अंदर देखो फिलेटलिस्ट स्टाम्प, न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो किसके लिए होगा, कॉइन्स, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो इसमें कोडेड लैंग्वेज क्वेश्चन है, कोडेड लैंग्वेज जो क्वेश्चन, तो इसके अंदर देखो दिल्ली, दिल्ली का कोड इसमें लिखा है डी का 7, ई का 3, एल का 5, एच का 4, आई का 1। ये सेम कोड आपको यूज करते हुए कालीकट को क्या लिखना है, कालीकट, तो इसके अंदर देखो जो कोड आपने यूज किया है उन्हीं कोड के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखो सी का कोड क्या है 8, और ए का कोड क्या है 2, एल का कोड 5, फिर आई, आई का कोड 1, 8 2 5 1, फिर उसके बाद सी, सी का कोड क्या है यहाँ पे, सी वापस 8, और ये कौन से में जा रहा है 8 2 5 1 8 9 6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम कोड यूज करने हैं आपको, जो दिल्ली में लिखे हुए हैं कलकत्ता में लिखे हुए हैं उन्हीं नंबर को कालीकट में आपको यूज करना है, उन्हीं कोड को कहाँ यूज करना है, कालीकट, कालीकट जो उसके अंदर उन्हीं नंबरों को यूज करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन साइन कन्वेंशन के कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो यू हैव टू गिवन साइन प्लस, प्लस को दे रखा है मल्टीप्लाई, माइनस को दे रखा है डिवाइड, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन है 21 डिवाइड 8 प्लस 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 क्वेश्चन मार्क। 21 8, डिवाइड को क्या यूज करना है माइनस 8, प्लस को क्या यूज करना है मल्टीप्लाई 2, माइनस, माइनस को क्या यूज करना है प्लस 12, और मल्टीप्लाई को क्या यूज करना है डिवाइड। इसी भी है बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, 21 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 4। नेक्स्ट 21 माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस 4, 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा इसके, 21 प्लस 4 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, विच ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन में भी यही साइन है, 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 डिवाइड 20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन्हीं साइन को यूज करते हुए 6 प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड 3, फिर माइनस, माइनस को यहाँ यूज करना है प्लस 8, फिर उसके बाद डिवाइड, डिवाइड को माइनस 20, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 3 है तो इसको लिख सकते हैं 7/3 प्लस 8 माइनस 20। इसको अगर अपन यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 से 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 7 14, 14 प्लस 8 माइनस 20, 22 माइनस 20 इक्वल टू 2, और ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज 2। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन, 109 में कौन सा इसमें अलग है, डिफरेंट है वो बताना है आपको, ईगल, वल्चर, स्वान और पिकोक, ईगल, वल्चर, स्वान और पिकोक, इनमें सबसे ओड वन आउट, यस सर, पिकोक, क्योंकि पिकोक जो है वो क्या है, पिकोक जो है इसके अंदर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ईगल, ईगल
वल्चर, स्वान ये कार्निवोर्स है, जबकि पिकॉक ओमनीवोर्स है, दोनों है, तो पिकॉक जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट घाना, टर्की, नाइजीरिया, लीबिया, इनमें से अलग कौन सा है? विच इज डिफरेंट घाना टर्की? यस दिमन, टर्की एशिया के अंदर है, बिल्कुल सही है। टर्की जो है ये एशिया की कंट्री है और बाकी सारी कंट्री अफ्रीका की है, भले घाना हो, घाना अफ्रीका की, नाइजीरिया अफ्रीका की और लीबिया अफ्रीका की, लेकिन अलग कौन सा हुआ? टर्की। टर्की एशिया की कंट्री है। एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम, ओस्लो और हेग, इनमें से अलग कौन सा होगा? हेग, क्योंकि हेग किसी की भी कैपिटल नहीं है। बाकी एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है? एम्स्टर्डम, यस नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ओस्लो नॉर्वे और स्टॉकहोम स्वीडन, तो नीदरलैंड ये स्वीडन की कैपिटल है, ये नॉर्वे की है और ये नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम, लेकिन हेग कोई कैपिटल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक क्लास के अंदर अतुल की रैंक टॉप से 16 है और 49 फ्रॉम बॉटम, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों रैंक को, टॉप और बॉटम दोनों रैंक को प्लस करके क्या करना है? माइनस वन। तो इसके अंदर 49 और 16, 49 प्लस 16 माइनस 1, तो टोटल निकल जाएगा इसमें 49, यानी टॉप की रैंक बॉटम की रैंक प्लस करके माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15, 41516, 65 माइनus 1, 64 टोटल होंगे, कितने होंगे? ऑप्शन ए, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक दोनों को प्लस कर देना है और वन को माइनस इसलिए करना है क्योंकि एक व्यक्ति दो बार काउंट हो रहा है, टॉप से भी और बॉटम से भी, इसलिए इसमें यह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड डस्ट, देन डस्ट इज कॉल्ड येल्लो, येल्लो इज कॉल्ड क्लाउड, देन डू विच ऑफ द डू फिश लिव? तो देखो, पहले ही तो आपको पता होना चाहिए फिश कहाँ रहती है, तो आपको पता है फिश वाटर, और वाटर को क्या कहा इन्होंने? ग्रीन, वाटर इज कॉल्ड ग्रीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेपर को ये लिखा गया है तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो आपको पता करना है, इसमें जो पैटर्न चल रहा है माइनस वन पेपर, इसको लिखा है ओ जेड ओ डी क्यू, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है पी से ओ माइनस वन, ए से जेड माइनस वन, पी से ओ माइनस वन, ई से डी माइनस वन, आर से क्यू माइनस वन, सेम आपको पेंसिल में अप्लाई करना था, पेंसिल इनमें भी आपको क्या करना है? माइनस वन, तो पेंसिल पी से माइनस वन ओ माइनस वन डी, एन से माइनस वन एम, सी से माइनस वन, सी से माइनस वन बी, आई से माइनस वन एच, एल से माइनस वन के, ये वाला ऑप्शन ओ डी एम बी एच के, ऑप्शन सी माइनस वन पैटर्न कंटिन्यूअसली, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। नेक्स्ट, इसके अंदर मंथ दे रखे हैं, इन मंथ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि नेक्स्ट अगला मंथ क्या आएगा। देखो, पहला है जनवरी, फरवरी, तो देखो पहले जनवरी, फिर फरवरी सेकेंड मंथ, फिर अप्रैल फोर्थ मंथ, फिर जुलाई सेवंथ मंथ, फिर नवंबर
11th मंथ, वापस अप्रैल 4th मंथ। इनमें जो सीरीज चल रही है, पहले में क्या हो रहा है, 1 से +1, फिर +2, फिर +3, अगली बार +4, 4 मंथ आगे, अगली बार इसमें वापस +5, 5 मंथ आगे, इसमें +6, 6 मंथ आगे हो जाएंगे। तो अप्रैल से अगर 4 + 6 कर देंगे 10, 10 पे मंथ कौन आ जाएगा, अक्टूबर, +6 कर देंगे ये वाला पैटर्न, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, नेक्स्ट इज, यहां पे आपको साइन कन्वेंशन दे रखे हैं। पहला है मल्टीप्लाई इक्वल टू एडिशन, माइनस इक्वल टू डिवीजन, फिर दे रखा है डिवीजन इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, फिर दे रखा है प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये साइन यूज करते हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसके अंदर विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो इसको ए बी सी डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए ट्राई करते हैं हम, ए ए में देखो 16 प्लस प्लस ए ऑप्शन ये है बेटा, इक्वल टू 9, हमने ए ऑप्शन को ट्राई किया, देखो 16 सबसे पहले प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई 5, माइनस डिवाइड 10, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई को प्लस 4, डिवाइड माइनस 3, तो देखो 10 इंटू ये 5/10, तो 16 इंटू 5/10 प्लस 4 माइनस 3, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 16 8 टाइम्स, 8 प्लस 4 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, बिल्कुल सही है। यानी आपने ए ऑप्शन में जब ये साइन चेंज किए तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 117, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, नीलम वो इज रोहित्स डॉटर सेज टू इंदु, तो नीलम जो है वो रोहित की डॉटर है, तो यहाँ पे रोहित डॉटर, रोहित की डॉटर कौन है, नीलम, रोहित डॉटर नीलम एंड सेज टू इंदु, सेज टू इंदु क्या कह रही है, योर मदर, योर मदर यानी इसकी मदर नीलम की, रीता, योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर कौन कह रही है यहाँ पे, इंदु, सेज टू इंदु, तो इंदु क्या कह रही है, योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, वो इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी, वो थर्ड चाइल्ड है सोहन जी। तो इस पैटर्न के अंदर आपको ये पता चल गया कि रोहित की डॉटर कौन है, नीलम, और नीलम जो है इसके बाद में योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, माई फादर यानी यहाँ पे इंदु कहने वाली है, तो इंदु के जो फादर है, इंदु के फादर की रीता जो है वो यंगर सिस्टर है, तो इसका मतलब ये इंदु है यहाँ पे और ये इंदु के फादर है, और ये इंदु के फादर जो है रीता क्या क्या लग रहे हैं, सिस्टर, ये रीता इनके क्या चल गई, सिस्टर। अब एग्जामिनर पूछ रहा है, एक कंडीशन और दे रखी है इसने कि वो इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी, और ये सोहन जी की थर्ड चाइल्ड है, सोहन जी यानी यहाँ पे इनके फादर की थर्ड चाइल्ड कौन है, इंदु, इंदु थर्ड चाइल्ड है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाउ इज सोहन जी रिलेटेड टू इंदु, तो जो सोहन जी है ये सोहन जी इंदु से क्या रिलेट करेंगे, फादर, क्या लगेंगे, फादर, सोहन जी इंदु के क्या लगेंगे, फादर, और ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट
pointing towards a man in the photograph. Anjana said, Anjana क्या कह रही है? Anjana यहाँ पे he is the son of only son of my grandfather. तो इसके अंदर Anjana कह रही है, तो Anjana के grandfather का ये son है, ये Anjana है, और ये जो son है, ये किसका है? Anjana के grandfather के son का son. ये grandfather Anjana के, उनका son और उनका son. तो यहाँ पे Anjana जो है, वो क्या है? He is the son of only son of my grandfather. तो इसके हम बात कर रहे हैं. ये है he. Examiner क्या पूछना चाह रहा है कि Anjana जो है उस man से क्या relate करेगी? तो Anjana उसके लिए how is that man? वो man जो Anjana से क्या relate करेगा? तो ये man देखो, ये क्या लगेगा Anjana का? भाई. क्या लगेगा Anjana का? भाई. यानी कौन सा ऑप्शन है? ब्रदर. मेन क्या करेगा? ब्रदर. क्योंकि ये जो कह रहा है इसके अंदर ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी Anjana के ग्रैंडफादर के सन का सन है. कौन? ही, जिसकी हम बात कर रहे हैं. और ये ही किसका हो जाएगा? इसका ब्रदर. नेक्स्ट, ए वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट एंड्स ईस्ट. तो देखो ये वॉच है, 119 वॉच क्वेश्चन. वॉच के अंदर ये आपके पास वॉच गिवन है, और इस वॉच के अंदर 4:30 टाइम गिवन है. 12, 6, 3, 9 यहाँ 4 और यहाँ 5. 4:30 का जो टाइम होगा वो कैसे होगा? ये यहाँ पे तो कौन सी और होगी आपके पास? और एंड. और यहाँ कौन सी होगी? मिनट एंड. मिनट एंड जो है वो बड़ी होगी और एंड छोटी. तो ये मिनट एंड और ये क्या होगी इसके अंदर? और एंड. अब एग्जामिनर इसने कहा है कि उस समय जो मिनट एंड है हमारी, वो मिनट एंड कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट. ये ईस्ट है, तो बताओ ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट क्या होगा? वेस्ट. ये ईस्ट है, इसके अपोजिट क्या होगा? वेस्ट. और इसके अंदर नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन के अंदर होगी? एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि ये ईस्ट है. जब भी अपन बेसिक बनाते हैं हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो ईस्ट जो होता है वो नॉर्थ के हमेशा क्या होता है? राइट में. ईस्ट हमेशा क्या होता है? राइट में. तो इसका मतलब नॉर्थ किधर होगा? इधर. इसके नॉर्थ के हमेशा राइट में ईस्ट, और इधर कौन होगा? साउथ. तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये डायरेक्शंस आपको पता चल गई सारी. एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि ओवर एंड कहाँ पे? ये रहा ओवर एंड, और ये ओवर एंड कौन सी डायरेक्शन में? अब नॉर्थ ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी. देखो यहाँ पे मिनट एंड ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो ये नॉर्थ ईस्ट में कौन हो जाएगी? ओवर एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेन ड्राइव्स 8 किलोमीटर वेस्ट. एक मेन है वो 8 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है, 8 किलोमीटर वेस्ट. देन 3 किलोमीटर साउथ, फिर यहां से 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ. फिर उसके बाद में देन 4 किलोमीटर ईस्ट, यहां से 4 किलोमीटर ईस्ट. एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है और कितना है, कितना दूर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से ये कितना दूर है? तो इसके अंदर देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये यहां तक 4 हो गया है, यहां तक 4, टोटल 8 था तो ये कितना हो जाएगा? 4. तो इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लग गया है, 4, 3 और ये. तो जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपन, ये 4, ये 3, ये आपने एग्जामिनर ने पूछ ली, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनियस मतलब ये पता करनी है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको एग्जामिनर पूछ रहा है. हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर जो है वो कितना है यहां पे? ये देखो ये परपेंडिकुलर 3,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का अंडर रूट हो जाएगा और कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5। हाइपोटेनियस 5 यानी ये 5 किलोमीटर है। यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी और फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एक कोड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको लैंग्वेज लिखी है MUKSIT ऐसा कुछ लिखा है। इसका मीनिंग लिखा है वेरी लकी पर्सन, ये कोड लिखा है। सेकंड के अंदर क्या लिखा है डिस यू मू, इसके बाद एक और कोड है डिस यू मू, और इसका मीनिंग क्या लिखा है फॉर्चुनेट एंड लकी। अब आपको ये देखना है इनमें रिपीट कौन हो रहा है। तो देखो पहले आपको देखना है कि इन दोनों में कौन रिपीट हो रहा है, जो नंबर दोनों में रिपीट हो रहा है। तो रिपीट इसके अंदर यहाँ पे कौन हो रहा है MU इसमें आ रहा है और MU इसमें भी आ रहा है, लकी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है दोनों में। तो देखो MU लकी ये दोनों आपस में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा लकी का मतलब MU। लकी का मीनिंग क्या हो जाएगा MU, क्योंकि लकी दोनों में आ रहा है और MU दोनों, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा MU, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सिस्टम में पहले वाले 3 वर्ड एक जैसे हैं, लास्ट वाले को चेंज किया है MET, सेम आपको नियरर में करना था तो नियरर में भी यही किया है इन्होंने NEA as it is, लास्ट के 3 वर्ड्स को रिप्लेस यानी रिवर्स कर दिया RER। अगले में देखो फ्रॉस्टी ऐसा का ऐसा, इसमें FRO अपनी जगह रहेंगे लेकिन चेंज कौन हो जाएगा यहाँ पे Y T S, और ये कौन सा ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन इज करेक्ट FRO YTS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि हाउ मेनी 6 आर देयर इन फॉलोइंग सीरीज नंबर विच आर प्रीसीडेड बाय 7, जिनके पहले जो है वो 7 हो बट नॉट इमीडिएट 9, 7 पहले होना चाहिए लेकिन 9 जस्ट बाद में नहीं। तो इसके अंदर देखो पहले 6 में देखो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, फिर 6 के अंदर देखो ये 6 से पहले 7 ही नहीं है, इसमें 6 से पहले 7 है और जस्ट बाद में 9 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट। उसके बाद इसमें 6 के पहले 7 है, 6 के पहले क्या है 7 और उसके जस्ट बाद में क्या नहीं होना चाहिए 9, तो इसके अंदर भी 9 नहीं है। अगले में ये हो नहीं सकता क्योंकि 6 से पहले 8 है, ये नहीं हो सकता 6 से पहले 4 है, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि 6 से पहले 7 तो है लेकिन जस्ट बाद में 9 आ गया, लेकिन एग्जामिनर कहना है कि 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में ये 6 से पहले 7 है और उसके बाद में 9 नहीं होना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो इसमें कितनी कंडीशन हो गई ऐसी 1 2 3, ऐसे 6 3 टाइम है जिनसे पहले 7 है बाद में 9 नहीं है। इसमें देखो बाद में 9 नहीं है, इसमें भी बाद में 9 नहीं है, इसमें भी बाद में 9 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज रमा ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस ए
टूवर्ड्स नॉर्थ, तो रमा है यहाँ से नॉर्थ की ओर जा रही है, उसका प्लेस ए है यहाँ पे और 5 किलोमीटर जा रही है, फर्स्ट कंडीशन। देन टर्न्स लेफ्ट, तो इसका ये राइट और इसका अपोजिट इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट की तरफ टर्न ले रही है और वॉक्स 3 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगेंस्ट टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर ऊपर की ओर, यहाँ से 2 किलोमीटर और राइट की ओर टर्न किया है, यहाँ से देखो राइट ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट फाइनली टर्न्स राइट, एक बार और टर्न कर रही है राइट और यहाँ 3 किलोमीटर चल रही है और यहाँ पे जो प्लेस आया वो बी है। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है ए से बी के बीच में कितने डिस्टेंस है, ये ए है ये बी है, इसके बीच में कितने डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, कितनी है, 2, क्योंकि ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में नंबरिंग चेंज करने वाला क्वेश्चन था, नंबर को एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है, नंबर को रिप्लेस करने के लिए 5, 3, 1, 7, 6, 8, 9, 2, 0, 4, इसमें कहा गया है कि आपको जो नंबर रिप्लेस करना है पहले और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, फर्स्ट और सिक्स को पहले रिप्लेस करना है, फिर उसके बाद में सेकंड और सेवन को करना है और फिर उसको कंटिन्यूअसली रिप्लेस करते चलना है। और उसके बाद में कुछ नंबर पूछा है कि राइट से सिक्स कौन होगा, तो पहले रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ 8, यहाँ 5, फिर उसके बाद में ये 3 यहाँ चला जाएगा और ये 9 आगे आ जाएगा कंटिन्यूसली सेकंड और 7 को, फिर ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ से ये 1 पीछे चला जाएगा, फिर ये 0 आगे आ जाएगा और यहाँ पे ये 7 पीछे चला जाएगा, फिर ये 4 आगे आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा, यानी इनको कंटिन्यूसली आपने रिप्लेस कर दिया। फिर इन्होंने कहा राइट से 6 नंबर पे कौन है, ये देखो राइट से 6 नंबर पे कौन आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 राइट से कौन आ रहा है, 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अशोक मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 years एगो, तो 5 years एगो की कंडीशन दे रखी है, इसको अपन डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे, जैसे आपने लिया 15, आज अगर अशोक की एज 15 है तो उससे कुछ साल पहले यानी 5 साल पहले कितनी एज हो जाएगी उसकी, 10, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज, 20, लेकिन इसमें कह रहा है अशोक की मदर जो है वो उससे 3 times हो रही है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 30, और इसके बाद में और 5 साल बाद, ये तो अभी प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले ये 5 साल बाद में, तो यहाँ से 20 से 5 साल बाद में एज क्या हो रही है, डबल, क्या कह रहा है ये, डबल, तो ये कितनी हो जाएगी, 40, तो ये कंडीशन कौन से ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये यहाँ पे एक सीरीज क्वेश्चन है, CMM, देखो सी से ई आ रहा है, सी से ई क्या हो रहा है, +2, ई से जी +2, नेम जी से भी +2 करेंगे, तो जी से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई, जी से हेलो ठीक है, हेलो तो इसके अंदर
यस। तो ये वाला जो पैटर्न चल रहा था इसके अंदर, तो इसमें पैटर्न देखिएगा, सी से ई प्लस टू, ई से जी प्लस टू, जी से प्लस टू, तो जी से प्लस टू क्या हो जाएगा आई। फिर यहां पे एम, एम से ओ प्लस टू, ओ से क्यू प्लस टू, फिर क्यू से एस प्लस टू, लेकिन दो दो बार आ रहा है तो डबल टाइम आई एस एस, ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सीरीज, यू हैव टू गिवन 14, 28, 20, 40, 32, 64। इसके अंदर जो सीरीज चल रही है, पहले में मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस 8, 28 से माइनस 8, फिर 20 मल्टीप्लाई 2, 40, 40 से 32, माइनस 8, अगले में मल्टीप्लाई 2, और अगले में क्या होगा माइनस 8, तो 64 माइनस 8, 56 इज ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 56। नेक्स्ट, नेक्स्ट सीरीज 2, पे ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग तो यहां पे हाफ होता जा रहा है, जैसे 2 है, 2 का हाफ 1, फिर उसके बाद में 1 का हाफ 1 बाय 2 का हाफ 1 बाय 4, ऐसे ही आपको 1 बाय 4 का हाफ करना था, तो हाफ कैसे करते हैं बेटा, 1 बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 4 मल्टीप्लाई, ये 2 नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 बाय 8, कौन से ऑप्शन में था ये, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज 1 बाय 8 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बी 1 बाय 8 इज करेक्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18, 54। यहाँ पे 8 3 जा 24, 12 3 जा 36, 18 3 जा 54, विच ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 36। नेक्स्ट 0, 0 का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, नेक्स्ट 8, 8 का स्क्वायर 64, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान और एशिया, इंडिया पाकिस्तान और एशिया जो है, इनके अंदर जो यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू बनेगा, इंडिया पाकिस्तान और एशिया, तो आपको पता होना चाहिए एशिया में क्या क्या आता है, ये एशिया है, एशिया में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, तो ये वेन डायग्रामेटिक व्यू करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, इंडिया इसके अंदर एशिया जो है इसमें इंडिया भी और पाकिस्तान भी, ऑप्शन ए, एशिया इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों है किसके अंदर, एशिया के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 6 वर्टिसेज कौन से फिगर में बन रहे हैं, तो देखो ये वर्टिसेज होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 ही है, इसके बाद में इसमें 1, इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें 8 वर्टिसेज है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सिक्स वर्टिसेस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए में टोटल सिक्स वर्टिसेस है। नेक्स्ट प्लस मल्टीप्लाई, प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई, प्लस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई, प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसके अंदर डिवाइड, माइनस इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड इक्वल टू, प्लस इक्वल टू डिवाइड, मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस। इसके अंदर देखो प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई, माइनस इक्वल टू डिवाइड, मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस, प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर के अंदर जो क्वेश्चन है 134, तो प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस का मल्टीप्लाई, यस प्लस मल्टीप्लाई है, माइनस डिवाइड, माइनस इक्वल टू डिवाइड, माइनस इक्वल टू डिवाइड, माइनस इक्वल टू प्लस होगा यहाँ पे, या डिवाइड है ठीक है, और माइनस इक्वल टू डिवाइड है, प्लस इक्वल टू डिवाइड, माइनस इक्वल टू डिवाइड, माइनस इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड इक्वल टू प्लस, तो ये यहां पे होगा डिवाइड इक्वल टू प्लस। माइनस इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड इक्वल टू प्लस, और मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस, ओके। 16 डिवाइड 64 क्वेश्चन है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इक्वल टू, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको करें 16, देखो बेटा डिवाइड, डिवाइड का क्या होगा यहां पे प्लस, माइनस, माइनस का डिवाइड, मल्टीप्लाई माइनस, प्लस, प्लस जो है इसका क्या यूज होगा इसके अंदर मल्टीप्लाई 4। अब यहां देखो पहले डिवाइड होगा बोर्ड मास 16 प्लस 64 को 4 से डिवाइड 16 माइनस 4 इंटू 4, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना आ जाएगा 16, अच्छा 4 इंटू 3 है यहां पे 3, इसके बाद में 16 तो 12 हो जाएगा ये 4 इंटू 3 12। अब नेक्स्ट 16 प्लस 6 16 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 इक्वल टू 20, ऑप्शन ए इज करेक्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, इसके अंदर आपको कुछ लैंग्वेज लिखी है, इनमें देखो ए, ए को लिखा है एट द रेट, बी एच सी डॉलर, डी परसेंटेज, ई लेस देन, एम एंड, एन ग्रेटर देन, ये स्मॉल ब्रैकेट, दोनों स्मॉल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू, सेम ये वाला कोड यूज करना है एच एट द रेट परसेंटेज, तो देखो एच, एच को क्या यूज किया बी, यस, उसके बाद में ये वाला जो ब्रैकेट है ओ, बी ओ, ये वाला ब्रैकेट ओ, फिर एट द रेट, एट द रेट को ए, आर डी, ऑप्शन डी, इन्हीं में कोड मैच करते हुए ये निकालना था। नेक्स्ट यहां कितने एट है, हाउ मेनी एट देर इन द फॉलोइंग सीरीज आर प्रिसाइडेड बाय इवन, आर प्रिसाइडेड बाय इवन नंबर एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, यानी पहले इवन होना चाहिए, तो देखो ये एट है, इसमें पहले इवन है क्या, नहीं है, इसमें एट पहले इवन है क्या, नहीं है, इसमें है पहले इवन है, बाद में ओड भी है, बिल्कुल सही है, उसके बाद इसमें एट
पहले इवन है बाद में ओड, बिल्कुल सही है। इसके बाद में ये एट, ये नहीं होगा, पहले इवन है लेकिन बाद में ओड नहीं है। इसमें है, इसमें है क्या, एट के पहले, इसमें भी नहीं है, एट के पहले इवन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी, क्यों, एट के पहले इवन और बाद में ओड, तो कितने आ रहे हैं इसके अंदर, टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। यानी ऐसे एट देखने हैं जिनमें पहले इवन हो बाद में ओड, इसमें था इसमें भी था, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 137, इनमें कुछ साइन दे रखे हैं आपको, साइन देखो, प्लस प्लस डिनोट्स, प्लस मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई, माइनस, ये साइन यूज करना है। यहाँ पे स्टार जो बना हुआ है, स्टार इसके जगह आपको क्या करना है, प्लस, स्टार की जगह क्या है, प्लस, और माइनस की जगह प्लस, स्टार की जगह डिवाइड है बेटा, है ना, स्टार की जगह क्या है, डिवाइड है, यस। तो इसके एक बार लिख लेते हैं इसको, 12 माइनस 48, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार, तो स्टार की जगह क्या लिख दे अपन, डिवाइड, 48 अपॉन 12 माइनस 65 माइनस 30, इस स्टार, स्टार की जगह डिवाइड अपॉन 5, फिर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना था, ये साइन भी चेंज करने थे, जो साइन है देखो, 12 माइनस को क्या करना था इसमें, डिवाइड, 48 डिवाइड को क्या करना था, प्लस, माइनस को क्या करना था, डिवाइड, 65 और फिर माइनस, माइनस को क्या करना था, डिवाइड, 30, फिर यहाँ पे वापस डिवाइड, डिवाइड को क्या करना था, प्लस, 5 इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। तो ये 12 डिवाइड 48, इसको ऐसे लिख दो, 12 अपॉन 48 प्लस 12 डिवाइड 65 अपॉन 30 प्लस 5 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये 12 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स, 12 फोर जा 1 अपॉन 4 प्लस 12, ये यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड, 5 सिक्स जा 5 से 6 और 5 से 13, 5 जा, तो ये 5 से कैंसिल। अब अगले देखो, 1 अपॉन 4 प्लस 12 डिवाइड 13 अपॉन 6 प्लस 5, इसको आगे सोल्व करो, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 12 फोर जा कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड 6 एलसीएम, 13 प्लस 6 5 जा 30, तो कितना हो गया, 49 अपॉन 4 डिवाइड 13 प्लस 30 43 अपॉन 6, लेकिन आगे में क्या हो जाएगा, रिवर्स, 49 अपॉन 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना 6 अपॉन 43, अब ये कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल कर दो इनको, और बाकी जो रिमेनिंग बचे वो देखो, इनको कैंसिल होने पे क्या आ रहा है, 2 2 3 जा 2 2 जा, उसके बाद में ये कैंसिल नहीं हो रहे, 49 इंटू 3 और 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 49 इंटू 3 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12 और 2 147 अपॉन 3 2 जा 6 86, 146 अपॉन 87, कौन सा आ रहा है इसमें ऑप्शन, बार देख लेना इसमें 62.2 करेक्ट ऑप्शन है, 62.2।
नेक्स्ट देखो 137 और 139, इनमें एक प्रिंटिंग एरर है। देखो 139 देख लो, हॉर्स जो है हॉर्स के हुप होता है, सेम ईगल के क्या होता है क्लो, ये कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा सी, ईगल के क्या होते हैं क्लो पंजे। मेटल इज रिलेटेड टू कंडक्शन, प्लास्टिक क्या होता है इंसुलेटर, क्या होगा इंसुलेशन, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। मेटल क्या होता है कंडक्टर, और ये क्या होता है इसके अंदर इंसुलेटर। नेक्स्ट 141 में एक प्रॉब्लम फिगर गिवन है आपको, इन प्रॉब्लम फिगर में चेक करना था कि आंसर फिगर क्या बनेगी। जैसे ये क्वेश्चन फिगर है, ये एक छोटा और बड़ा हाइपरबोला, उसके बाद में एक बड़ा हाइपरबोला, ये छोटा बन गया। इसके बाद में अगले फिगर में एक हाइपरबोला और उसके अंदर एक क्या बन रहा है रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट में क्या बनेगा कि रेक्टेंगल जो है वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन ए में रेक्टेंगल ऊपर और ये क्या हाइपरबोला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर है इसमें ये डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है और फिर यहाँ इस कॉर्नर पे एक डायग्रामेटिक व्यू, अगले में क्या होगा अगर इसमें इधर दे रखा है ये इधर, तो इसमें नीचे की ओर बनेगा, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये इधर हो गया, फिर ये। नेक्स्ट 45 यहां से कुछ ये इतना ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है बेटा, फिर यहां पे भी ये 45 है लेकिन ये यहाँ पे इसमें मिडल में आ गया एरो, इस बार ये और 45 डिग्री और हो जाएगा नीचे की ओर, ऑप्शन सी, और ये एरो इस प्रकार से ऑप्शन सी में 45 डिग्री यहाँ था, यहाँ से रोटेट हुआ यहाँ कुछ 45, फिर और 45 डिग्री रोटेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन था क्वेश्चन था ये प्रॉब्लम फिगर है, इस प्रॉब्लम फिगर की एक नेक्स्ट फिगर बन रही है ये वाली, तो ये इधर राइट में और ये फिर लेफ्ट में, राइट लेफ्ट, अगला ये होगा इधर, तो ये किधर बन जाएगा इसमें सी ऑप्शन में, ये इधर बन जाएगा तो ऑप्शन सी, जस्ट इसका रिवर्स ऑप्शन सी इज कर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम फिगर है, यू हैव टू गिवन इसके अंदर ये डॉट है, फिर उसके बाद में अगला जो फिगर है ये एक ट्राइंगल है, इसमें देखो कॉर्नर जो है वो क्या हो रहा है ये पूरा ट्राइंगल रिवर्स हो गया है, ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया है रिवर्स, और रिवर्स होके यहाँ पे एक डॉट बनाया गया है, तो इसमें देखो ये वाला जो ट्राइंगल है जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसको भी आपको रिवर्स करना था, इसको रिवर्स करके, तो इसको जस्ट रिवर्स करते आप तो कौन सा ऑप्शन में बन रहा था रिवर्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसको रिवर्स करते आप ये वाला बन रहा है ऑप्शन बी, और ये डॉट वाली जो कंडीशन है ये भी क्या हो रही है चेंज हो रही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज
एक एरो है, फिर उसके बाद एक एरो है, फिर इस एरो को ओपन कर दिया गया है, यहाँ पे भी एक एरो है, अगली बार भी इस एरो को क्या कर दिया जाएगा, ओपन। डायरेक्शन सेम रहेगी ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में इस एरो को क्या कर दिया, ओपन, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर 147 में देखो, ये फिगर है, एक लाइन सिंगल है, इसमें एक डबल लाइन है, फिर एक सिंगल लाइन, फिर क्रॉस, फिर यहाँ पे दोनों तरफ लाइन, अंदर एक क्रॉस, फिर इधर ये दो तरफ क्रॉस। इस बार क्या होगा, ये वाला सेम लाइन सेम ड्रॉ बनेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उल्टी। तो एक बार ये इधर, एक बार इधर, और बीच में दो क्रॉस हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फिगर, यहाँ एक फिगर है, इनमें ये फिगर बन रहा है, ये वी, इस प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है, ये सीरीज के बाद इसके अंदर ये, अब इसके अंदर ये जो सीरीज है कंटिन्यूअसली सीरीज जो है आपको पता करनी है, तो इसके अंदर क्या होगा, सीरीज ये अपोजिट, ये अपोजिट, फिर ये, फिर ये, फिर अगले में ये, ये, यानी यहाँ पे सीरीज कैसे चल रही है, ये V बन रहा है, ये V, फिर ये V, फिर ये डबल लाइन, डबल लाइन कौन से ऑप्शन में बन रही थी, ऑप्शन B, ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ओके ओके, इसके अंदर अगला जो फिगर है ये वाला, इसके अंदर ये डार्क लाइन बन रहा है, इसके बाद ये कुछ विदाउट शेडेड, ये शेडेड बन रहा है, तो अगली बार जो है ये वाला जो फिगर है ये विदाउट शेडेड, तो अगला वाला जो नेक्स्ट फिगर है इसके अंदर कौन सा बनेगा, तो इसके अंदर एक में शेडेड, तो अगले में शेडेड हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन बनेगा, शेडेड ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, 150 में देखो, एक सर्कल है, एक अंदर और सर्कल है, एक लाइन, एक लाइन, फिर ये डार्क हो गया है, फिर अगले में विदाउट डार्क है, इसमें तीन लाइन है, अगली बार ये डार्क हो गया है, तो अगली बार क्या होगी, इसके अंदर फोर लाइन हो जाएगी, ऑप्शन बी में, और ये कंप्लीट डार्क, ऑप्शन बी। एक मिनट रुको, ये डार्क है तो विदाउट डार्क गेट वाला, विदाउट डार्क वाला कौन सा है, ये डार्क है तो विदाउट डार्क, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपने को एक बार 137 और 138 ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर और एक देख लो, 137 और 138, इसका ऑप्शन क्या था, 137, 87, इसका 87 है, और 138 का बी, ए, 12, इसका 12 है। इसके अंदर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली अप्लाई करने हैं जो पहले बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीके एंड रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू। आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो मैम कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश की क्लास मैम कंटिन्यू। ओके।
Welcome back, everyone. Now let's start the paper with the passage. Read the following passage given below and then answer the question which follows. The world is going ahead at a tremendous speed. Can anybody tell me the meaning of tremendous? Iska matlab kya hota hai? Yes, human? Huge. Very good. That the meaning is huge. Adbhut. Bahut zyada high. Bahut zyada ek amount mein. Ek bahut big amount mein. The world is going ahead at a tremendous speed. Bahut hi zyada achhi speed mein hum bolte hai na ki bahut tezi se hamara world kya kar raha hai beta, aage badh raha hai. But all this process will be shattered if we do not secure peace. ये जो सारी मेहनत है, ये जो सारा डेवलपमेंट है, ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, शाटर्ड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अगर हमने क्या नहीं किया, पीस को सिक्योर नहीं किया. हमने पीस को क्या नहीं बना के रखा, अपने आसपास अपनी दुबाकी दूसरी कंट्रीज के साथ हमने अगर पीस नहीं बना के रखा, तो जितना भी डेवलपमेंट है हमारा, वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. Scientific invention and advancement of technology knowledge have been brought the world closer. हमारी जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, एज लाइक कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड को एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या लिया है, क्लोजर लिया है, एक दूसरे के बहुत पास लेके आया है वर्ल्ड को. इफ वन कंट्री सफर्स, ऑल विल सफर टू सम एक्सटेंट. अगर एक कंट्री ने क्या किया है, एक कंट्री क्या करती है, किसी बात को लेके क्या करती है बेटा, सफर करती है, किसी चीज को लेके कोई चीज झेल रही होती है, कोई प्रॉब्लम आई होती है, तो उससे क्या होता है, बाकी कंट्रियों को भी क्या पड़ता है. One country suffers, all will suffer to some extent. अगर एक country suffer कर रही है किसी चीज से, किसी चीज को क्या कर रही है, झेल रही है, तो उससे बाकी countries भी क्या करती है, suffer करती है, उसको झेलती है, क्योंकि we have become inter-responsible. हमारी जो countries हो गई हैं, वो क्या होगी बेटा, अब inter-responsible हो गई है, एक दूसरे के लिए responsible हो गई है. अगर किसी country में कोई चीज होती है, तो वो दूसरी country भी उसके लिए कहीं ना कहीं responsible हो जाती है. अगर direct नहीं है, तो indirect way में भी responsible होती है. This has brought about the necessity of international relationship. ये क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हमारे लिए बहुत नेसेसिटी है. दैट मींस कि एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का जो रिलेशनशिप है, वो शो होता है इससे. पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर ब्रदर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं, वो भी क्या है, हमारे भाई या बहन ही, हमारे एक तरह से ब्रदरहुड, नॉट ब्लड रिलेशन में हमारे भाई बहन है, बट एक तरह से भाईचारा होना चाहिए हर किसी के बीच में. द नैरो बॉन्ड ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म हैज बीन शेड. अब इसमें जो हमारा नेशनलिज्म है या फिर देशभक्ति है, वो क्या हो गई, अब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा
कम हो गई है। ज्यादातर लोग अब आपके अपना क्या देखते हो कि सिर्फ अपना डेवलपमेंट का सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी कंट्री के बारे में उतना नहीं सोचते। Unless we understand the lesson of live and let live, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोली गई है कि आज के टाइम पे हमें एक बात सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज हमें एक ये बात सीखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये सबसे अच्छी बात है इस पूरे पैसेज में। वी स्टैंड ऑन आर लास्ट लेग, यहाँ पर बेटा ये एक तरीके से idiom है दैट वी आर स्टैंडिंग ऑवर लास्ट लेग, हम अपने बहुत ही क्या एंडिंग पोजिशन पे खड़े हैं। आप क्या बोला जाता है, जैसे किसी भी आप एक पैर पे खड़े होना जानते हो ना क्या होता है, अगर आप एक पैर पे खड़े हो, अगर आपको थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो आप क्या करते हो, नीचे गिर जाते हो। यहाँ पर वो किस लिए बोला जा रहा है, एक कंट्री के लिए बोला जा रहा है कि एक कंट्री कहाँ है, अपने एक टांगों पे खड़ी है, अगर किसी और से उसे थोड़ा सा धक्का लगता है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी कंट्री उसका जो डेवलपमेंट है वो सब क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। If another war break out, now let's see, यहाँ पर जो ये आपको phrase दिया है, उसका मतलब समझाया जा रहा है कि अगर if another war break out, it will destroy the entire race of humanity. अगर अब एक और लड़ाई हुई, एक और world war या एक और war छिड़ी, तो क्या हो जाएगी बेटा, entire race of humanity will be ended. पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, इंसान की जो प्रजाति है वो क्या हो जाएगी बेटा, एकदम खत्म हो जाएगी, इंसानियत लोगों में खत्म हो जाएगी। इफ वी एस्टैब्लिश लव एंड सिंपैथी, गुडविल एंड हैप्पीनेस अमंग आवरसेल्फ, वी कैन स्टिल सेव द वर्ल्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। अगर हम लोगों के बीच में क्या करते हैं, प्यार, लव, सिंपथी, दया, गुडविल, किसी के लिए अच्छा सोचना, हैप्पीनेस, खुशियां, ये कहाँ रखते हैं, एक दूसरे के बीचों में क्या करते हैं, इन फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, तो अभी भी हम अपनी कंट्री को किससे बचा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। लिव एंड लेट लिव इज अ साउंड रिलीजियन, लिव एंड लेट लिव कैसे वो साउंड हो रहा है, एक तरीके से ये क्या बहुत धार्मिक साउंड कर रहा है ना, कि भाई जियो और जीने दो, एक तरीके से ये क्या साउंड कर रहा है, रिलीजियस साउंड कर रहा है। फ्रॉम गौतम बुद्ध टू महात्मा गांधी, अ ग्रेट नंबर ऑफ पर्सन हैव प्लेंड फॉर दिस म्यूचुअल लव एंड ब्रदरली फीलिंग। गौतम बुद्ध से गांधी जी ने, गौतम बुद्ध से गांधी जी ने तक ने क्या ये बात सबको सिखाई थी कि हमें भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमें म्यूचुअल लव, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति एक अच्छी सी भावना, एक प्रेम की भावना क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। गौतम बुद्ध से महात्मा गांधी तक ने क्या बताया था कि हमें एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल लव और भाईचारे वाला एक जो
संबंध होता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, एक क्लास में पढ़ते हो, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, राइट। जब आपके बहुत टाइम हो जाता है, आप साथ में रहते हो, तो क्या होता है, आप एक दूसरों के लिए मतलब एक बॉन्ड शेयर कर लेते हो, भाई वाला क्या हो जाता है, बॉन्ड शेयर हो जाता है। अगर दो गर्ल्स फ्रेंड है तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, आप उनको क्या बुलाते हो, बेस्ट फ्रेंड बुलाने लग जाते हो, है ना। ऐसे ही गौतम बुद्ध से महात्मा गांधी तक ने इस वर्ड को, इस लाइन को हर किसी को अपनी लाइफ में डेवलप करने के लिए कहा था कि आपको एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए और आपस में क्या बनानी चाहिए, बॉन्डिंग, ब्रदरली बॉन्डिंग बनानी चाहिए। वी आर द इंटरडिपेंडेंट चिल्ड्रेन ऑफ द सेम फादर इन हेवन। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ गया, आप लोग की जो लाइन आ गई है एक तरीके से बहुत ही ऑनेस्ट लाइन है, एक तरीके से रिलीजियस लाइन हो गई है कि हम सब जो है एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट चिल्ड्रेन है एक ही फादर के, जो कहाँ पर रहते हैं, हेवन में रहते हैं। कहा जाता है हम सारे जो बच्चे हैं वो भगवान गॉड के क्या है, बच्चे है, तो वो हमारा गॉड क्या है, एक ही है, जो कहाँ पर है, हेवन, स्वर्ग में है। We should therefore live in peace. हमें क्या रहना चाहिए, अपनी शांति से रहना चाहिए, हमें शांति खुशी से आप रहना चाहिए। This is the only way by which we can go along the road to progress. बस यही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्रेस, हमारा जो तरक्की का रास्ता है उस पे बड़े आराम से चल सकते हैं। This was all about the passage. Now let's do the question. All our progress will be destroyed if we kill terrorist, slaughtered animal, nourish ill will, fail to establish peace. Yes, Riya. Fail to establish peace. Very good. Clap for Riya, everyone. That is absolutely correct. अभी हमने last line में ही पढ़ा है, अगर हम क्या करते हैं, शांति से रहते हैं, अपने पीस से रहते हैं, अपने सराउंडिंग में क्या बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तरक्की, हम प्रोग्रेस की रोड पे बड़े आराम से चल सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है कि अगर हमारा प्रोग्रेस, जो हमारा रोड ऑफ प्रोग्रेस है, हमारी तरक्की का जो रास्ता है, उसे हम कैसे डिस्ट्रॉय कर लेंगे, पीस को एस्टेब्लिश ना करके, हम फेल हो जाए पीस को एस्टेब्लिश करने में। That is correct, the correct answer. Now let's see the next question. Scientific progress has made it necessary. Scientific process has made it necessary to have national relationship, to have feeling of enmity, to have international relationship. None of the above. Yes, beta, Siddharth Sharma. To have international relationship. Very good, Siddharth. Clap for Siddharth, everyone. That is the correct answer. To have international relationship. The whole of mankind will be destroyed if. The whole of mankind will be destroyed if. अभी हमने पैसेज में देखा था कि पूरी जो इंसानियत है या इंसान प्रजाति है वो नष्ट हो सकती है, कैसे? Yes, Arman? Ma'am, option C,
वेरी गुड. इफ अ वॉर ब्रेक आउट, अगर अब एक और लड़ाई होती है तो क्या हो जाएगी, सारी जो इंसानियत है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. लिव एंड लेट लिव इज, लिव एंड लेट लिव इज अ रॉन्ग प्रिंसिपल, अ साउंड रिलीजियन टू बी अवॉइडेड, ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. यस राजवीर, व्हाट विल द आंसर? वेरी गुड राजवीर, दैट इज द करेक्ट आंसर, अ साउंड रिलीजियन. ये कैसा साउंड कर रहा है बेटा, एक धार्मिक तरीके का, एक कहते हैं ना एक श्लोक की तरह है कि भाई जियो, खुशी से जियो और दूसरों को भी खुशी से जीने दो. गॉड इंप्लाइज फादर इन हेवन, डेविल रूलर ऑफ हेल, अननोन. यस विजय, वेरी गुड, दैट इज फादर ऑफ हेवन. क्लैप फॉर विजय एवरीवन. ओके, नाउ गिव वन वर्ड फॉर द सेंटेंस. एन अनक्लोजर हुक फॉर कीपिंग बर्ड, एन अनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड. यस ह्यूमन, बी ऑप्शन, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट. वेरी, a government by one person. I want a group answer from whole class. Autocracy. Very good, that is autocracy. Okay, what is democracy? Yes, Jay Pratap. Government by the people, for the people, and them the people. Loudly. Government by the people, for the people, and them the people. Very good, Jay Pratap. Government for the people, by the people, and them the people. Very good. Clap for Jay Pratap, everyone. Okay. A diplomatic representative of one country to another. A diplomatic representative of one country to another. Yes, Tashu. C option, minister. Very good, Tashu. Clap for Tashu, everyone. One second. A diplomatic representative of one country to another, that is ambassador. A person who does not believe in the extension of God. Yes, Priyanshu. Very good. That is atheist. एक जो भगवान में बिलीव नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? Atheist. Study of bird. Yes, Tarun. Ornithology. Very good. Clap for Tarun, everyone. That is the correct answer. Now complete each idiom. You have to complete the idioms. Barking dog never. Never bite. करेक्ट, वेरी गुड. भाई कहावत तो सुनी होगी कि भौंकने वाले कभी काटते नहीं हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं. इसका मतलब ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करता है, वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ बातें ही करता है. इफ इट वॉज रेनिंग डैश and dogs, it was raining dash and dog. Yes, Arush, very good Arush, that is cats and dog, absolutely correct. The boy tried to read dash the lines. Yes beta, what's your name? Drishti, what will the answer, beta? The option. Between. The boy tried to read between the
line. Very good, Drishti. That is the correct option. Let us call it a dash. Let us call it a dash. Yes, Daksh. Sorry. Very good. Let us call it a morning. You cannot teach an old dash new trick. You cannot teach an old dash new trick. Yes, beta. You cannot teach an old man new trick. Good, Vijay. Now, identify the correct kind of sentence. You have to identify the sentence. Which type of sentence it is? The first statement is, please help me. Please help me. Which kind of sentence it is? Okay. Yes, beta Aradhya. Affirmative. Clap for Aradhya, everyone. भाई हमको जब किसी की जरूरत होती है हम क्या बोलते हैं? Please help me. है ना, भले ही वो इंसान को हम जानते हैं या नहीं जानते, पर जब जरूरत होती है तब हम क्या बोलते हैं? बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज हेल्प मी. नाउ नेक्स्ट, हुरे वी वॉन द मैच. हुरे वी वॉन द मैच. यस जितेंद्र. एक्सक्लेमेटरी. वेरी गुड, दैट इज एक्सक्लेमेटरी. जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती है, ये क्या शो करती है? हमारी सडन फीलिंग्स को शो करती है. हमारी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करती है. जब हम क्या करते हैं, कोई भी मैच जीतते तो हमें खुशी होती है ना बहुत ज्यादा. अभी अभी मैच हम लोग जीत रहे थे. पहले किसके बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था. हम लोग जीते थे, कितनी खुशी हुई थी आप लोग को? बहुत हुई थी ना. तब हमने क्या बोला था? हुर्रे वी वॉन द मैच. ठीक वैसा ही है. और एक और ट्रिक है ये पहचानने के लिए कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं, वो कैसा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क. जिस सेंटेंस में बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, वो सेंटेंस कैसा हो गया? हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? यस अनवजोत. इंट्रोगेटिव. वेरी गुड, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछते हैं. दूसरे इंसान से क्या करते हैं? हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो यहां पर भी क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एंड द सेम ट्रिक इज द, इफ अगर किसी सेंटेंस में क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. Good boy. He is not a good boy. Ved, what will the answer, beta? Negative. Negative. Very good. He is not a good boy. That is negative. यहाँ पर negative sentence कैसे पता करते हैं हम? Because उसमें क्या आ जाता है? Not आ जाता है. Does he not sing a song? Does he not sing a song? Yes, Tashu. Very good. That is interrogative and negative. यहाँ पर question भी पूछा गया है, साथ ही साथ क्या लगा है बेटा? Not लगा है. That is absolutely correct. It is interrogative and negative. Okay? Fill in the blanks with the appropriate preposition given below. Now you have to choose the correct preposition from the option. Diwali is dash 10th November. Yes, Arman. Very good. Diwali is
on 10th November. Diwali is on 10th November. Very good, Arman. Gandhi ji lived dash the English rule. Gandhi ji lived dash the English rule. Yes, Vijay. During. Correct. That is during. Gandhi ji lived during the English rule. Now next. They finished work dash sunset. They finished work dash sunset. Yes, beta. Daksh. Before. Absolutely correct. That is before. Clap for Daksh, everyone. Very good, Daksh. I will call at your home sometime dash the evening. I will call at your house sometime dash the evening. Okay, a group answer from the whole class. Very good. That is in the evening. Shankar's birthday is dash 3rd March. Shankar's birthday is dash 3rd March. Yes, Tarun? Ma'am, A option on. A option on. Okay. Yes, beta, what's your name? Yuvraj. Yuvraj, what will the answer? A option on. Very good. Clap for Tarun and Yuvraj. That is absolutely correct. On. Shankar ka birthday kab aata hai, bhai? 3rd March. And another, Manju is afraid. Manju is afraid dash maths. Manju is afraid dash maths. Okay, from the last bench. Manju is afraid dash maths. Yes? Of. Correct. That is. That is the correct answer. Manju is afraid of maths. The minister called dash the president. The minister called dash the president. Okay, a group answer. Very good. Dogs are generally faithful dash their master. Dogs are generally faithful dash their master. Okay, yes, Duman. Ma'am, two. Two. Ma'am. With. Okay, how many are going with? Everyone is going with. That is absolutely correct. Majority have been win this option with. Dogs are generally faithful with their master. Clap for, what's your name, beta? Anshu. Clap for Anshu, everyone. Okay, now you have to choose the correct spelling. First, yes, Tashu, come here, beta. What will the answer? Very, everyone is going with Tashu? Yes, ma'am. Give up loudly clapping for Tashu. That is absolutely correct. Very good, Tashu. Okay, now next, Arman. What will the answer, beta? Very good, Arman. That is the correct answer. Clap for Arman, everyone. That is diarrhea. Very good, Arman. And now next. Yes, beta. Bhagirath, come here. What will the answer, beta? Very good. Clap for Bhagirath, everyone. Very good, Bhagirath. Now, next. That answer is? Yes, Vijay. I'm
डी ऑप्शन दैट इज एम्बेरेस. ओके नाउ द लास्ट स्पेलिंग वर्ड. लास्ट स्पेलिंग वर्ड यस प्राची कम हियर. व्हाट विल द आंसर. डिसेंट. वेरी गुड. क्लैप फॉर प्राची एवरीवन. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी सम अदर मोर क्वेश्चंस. Some more questions. Choose the most appropriate. Choose the most appropriate option from the one given below to complete the sentence. Now you have to choose one word to complete the sentence as given above. A large dash is accepted. A large dash is accepted. Expected. Okay, a group answer from whole class. What? Correct. A large crowd is. Okay, now next. This pair of dash is good. A group answer. This pair of dash is good. That is? Shoe. Very good. The pair of shoes will be the right option. The pair of shoes is good. Ye jooton ki jodi kya hai? Achhi hai. John is reading dash Maria is playing. Okay, group answer from whole class. हम कंप्लेन करते हैं ना, मम्मी पापा को कंप्लेन करते हैं, भाई अगर आप तीन भाई बहन हो और क्या कर रहे हो, आपके से दो क्या छोटे हैं, जिसका एक का नाम क्या है जॉन है, दूसरे गले का क्या नाम है मारिया है. आपने कहा था, पापा ने सबको बोला था कि आप लोग क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई ध्यान रखना. और क्या आप कैसे कंप्लेन कर रहे हो कि जॉन क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, पर मारिया क्या कर रही थी, पापा खेल रही थी. करते हो ना कंप्लेन सारे? Yes, ma'am. ठीक वही सेंटेंस है बेटा. जॉन इज रीडिंग. जॉन पापा पढ़ रहा था, बट लेकिन मारिया क्या कर रही थी, खेल रही थी. बड़े चुगली करते हो यार तुम लोग सब. वेरी बैड. वर्क हार्ड डैश यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ. Work hard dash you will not succeed in life. Yes, Siddharth, what will the answer? Work hard or you will not succeed in your life. Very good, Siddharth. Now next, Kalpana missed the bus dash she was on time. Kalpana missed the bus dash was on time. Okay, a group answer from the class. Yeah. Very good. Clap for yourself, everyone. Clap for yourselves. 2 years have passed dash he left Chennai. 2 years have passed dash he left Chennai. Okay. Yes, beta, what's your name? Subhanand, what will the answer? Since. Very good. Clap for Subhanand, everyone. That is since.
Now, Mona stay at home dash it rained. Mona stay at home dash it rained. A group answer. Very good. While. भाई सबको पसंद है ना बारिश में घर पे रुकना, है ना? The same thing like Mona to stay at home while it was raining. Now, give the correct alternative. Sorry, give the correct collective noun. Now you have to choose collective noun. A dash of aircraft. Yes, Dhuman. Very good. A fleet of aircraft. Let's do it very fast. In a quick way, we will do this. A dash of directors. A dash of director. Yes, Tashu. C option. Board. Yes. Very good. Now next, a dash of soldiers. A dash of soldiers. A group answer. A regiment. Very good. A regiment. ये भैया ये question तो आप सबको आता ही होगा. ये क्वेश्चन तो सबको पता था ना. A dash of soldier is regiment. Very good. A dash of stems. A dash of stems, everybody. That is a group answer. Collection. Very good. A dash of plants. A dash of plants. Yes, beta, what's your name? Rudra. What will the answer? Nursery. Very good. Clap for Rudra, everyone. That is nursery. Now, fill in the blank by choosing the correct alternative. Again, you have to choose the correct option. He was dash elephant in the circus. He was dash elephant in the circus. Yes, Siddharth Sharma? And that is the correct answer. He is an elephant in the circus. His father is dash MLA. His father is dash MLA. Yes, Jay Pratap. His father is dash MLA. A option. His father is an MLA. Is a MLA. This is dash golden opportunity for you. Yes, Tarun. C option. That is a very good. He is going to Delhi with dash friend. He is going to Delhi with dash friend. What's your name? Animesh, what will the answer be? He is going to Delhi with a friend. Absolutely correct. Clap for him, everyone. Clap for Animesh. There is a dash milk in the glass. The last question of English paper, English section. There is a dash milk in the glass. A group answer from the whole class. Very good. Some milk in the glass. That's all for today. Thank you for watching and I hope you like it. Till then, see you. Bye-bye. Bye.